बाबू तमाम आप लोग कांड हमरे आवाज में सुनल गल। एक और कहानी प्रकाश में आई है, इस समय चर्चा का विषय है। बाबा हर चैनल पर न्यूज के रूप में आज यही दिखाया जा रहा है, और हर चैनल वाले मीडिया वाले कवर करके इसको दिखा रहे हैं। सत्य घटना हो, कोई काल्पनिक कहानी है नहीं, और हमें आशा नहीं विश्वास है कि ध्यान से आप लोग सुनेंगे, मिजाज से सुनेंगे, तो कितना हूं पत्थर का दिल होगा एक बार मोम बन जाएगा। सोचने पर आप मजबूर होंगे कि वाह क्या हमारा हिंदुस्तान हो गया, जिस हिंदुस्तान को कभी सोने का चिड़िया कहा जाता था, आज हिंदुस्तान के लोग कैसे हो गए। क्या भूमिका के लाइन में लिखल गई नारी के ऊपर लिखा गया है कि अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। नारी के ऊपर कवि जी ने बड़ी अच्छा प्रकाश डाला है। नारी कैसी होती है कि है कुसुम से, है कुसुम से भी कोमल हृदय नारी का, करती विश्वास बिल्कुल सहज भाव से, स्वामी भक्ति को सर्वोपरि जानती, मानती दिल का देवता बड़े चाव से, सृष्टि की दाय निसहति संकट सदा, आपदा झेलती अबला हर ठाम से, कहते वो पी अनुज लाल तत्काल में, मौत पाई सदा मजनू के घाव में। हम पहले ही बताई ला कि बिरहा का मूल चीज कहानी होला, और आज ये कहानी हर चैनल पर चर्चा का विषय बनल बा। एक लाइन गजल का नमूना दिखल गई मास्टर, तर्ज का लाइन बा, का तर्ज का लाइन बा, यह तर्ज हो कि ना समझो कि हम पी गए पीते पीते, न समझो कि हम पी गए पीते पीते, समझो कि हम पी गए पीते पीते, मगर गाना का भाव दिहल गल का, दहल जाता दिल सुन के कत्ल की कहानी, अरे दिल्ली को कातिल किया है बेपानी,
कहानी सहल जाता है दिल सुन के कहानी सहल जाता है दिल सुन के कहानी बात का शुरुआत हो गई। ध्यान दिहन कहानी है कहाँ की, किसकी कहानी है, कैसी कहानी है। नजम के लाइन में कवि जी बतौलन का देश परदेश की हालत क्या बताऊं मैं, देश परदेश की हालात क्या बताऊं मैं, कलेजा कांप जाता कैसे गीत गाऊं मैं। कहानी कहाँ की है बाबा? पालघर में विकास सुमन का परिवार रहा बाबा, महाराष्ट्र में। पालघर में विकास सुमन का परिवार रहा, बेटी श्रद्धा बेटा श्री दया कुमार रहा। पढ़ाई करके श्रद्धा मुंबई में आई है, मलाड काल सेंटर में वो जॉब पाई है। तेईस साल की तरुणी सदा कुमार रही, अब तब पुणे वाला से हुआ दीदार से। तनी बात समझला, कहानी एकदम शीशा जैसन झलके लगी। महाराष्ट्र में पालघर हो, जहाँ कुछ दिन पहले पालघर में एक घटना घटल है, आप लोगों ने टेलीविजन पर देखले होगा, जहाँ की साधु संतन के चोर उचक्का लड़का चुरावे वाला समझ के लोग मरले पिटले रहे। वही पालघर की कहानी है। पालघर में विकास का परिवार रहता था बाबू, पति का नाम विकास है, पत्नी का नाम सुमन है। लेकिन विकास और सुमन से दुई फूल खिलल, एक बेटा एक बेटी। बेटी के नाम श्रद्धा बतावल गई और बेटा के नाम श्री दया कुमार बतावल गई। तब धीरे धीरे दोनों पढ़त हुन, विकास छोटा मोटा रोजगार कहके अपन परिवार चलावत हुन, लेकिन शिक्षा पर लड़कन के अच्छा ध्यान देते हुन, कहीं से पैसा जुटा के मेहनत मजदूरी कहके कमाई के दोनों बचपन के पढ़ावत हो, बेटी कभी और बेटा कभी। धीरे धीरे बेटी 23 साल के पढ़ के जब तैयार भइल, तब पालघर के छोड़ के बंबई में अली ना, और बंबई के मलाड में जॉब करे लगली। मलाड में कॉल सेंटर में उनके जॉब मिलल बा, जॉब करत पड़ी, लेकिन उस समय उनकर 23 वर्ष का उम्र बा। वही कुछ दिन पहले से ही वही कॉल सेंटर में एक अफ्ताब पुणे वाला जी से बताया गया, अफ्ताब नाम का लड़का है, वो भी जॉब कर रहा था। और श्रद्धा से अफ्ताब से नैन चार हुई है, मोहब्बत की शुरुआत हो गई। और जब मोहब्बत की शुरुआत फैल हुआ, तब बाबू फैल का एक लाइन तर्ज बा, का तर्ज के लाइन बा, जब से गईला बहरा याद आवे बारंबार, ओ चिड़ैया बन के उड़ गईले, ओ चिड़ैया बन के उड़ गईले, सैया दी हमार, ओ चिड़ैया बन के उड़ गईले। जब से गईले बहरा याद आवे बारंबार, ओ चिड़ैया बन के उड़। अरे
जब से गई ने बहरा याद आवे बारंबार हो चिड़ैया बन के उड़ गई ने सैया जी हमार हो चिड़ैया बन के बम्बई मलाड में जॉब करे शुरू कैली। एहर अफताब नाम के लड़का से प्यार भइल बा, लेकिन 2019 में एक साल के बाद 2019 में घरे गई बड़ी, दो चार दस दिन खाती घरे गईली। आई सारी बात अपना मतारी से बतावे लगी, मलाड वाली बात का बतावत है। छुट्टी लेके आईली सधा घरे एक बार हो कहेली अपना मम्मी से, अरे कहेली अपना मम्मी से हो गइल बा प्यार हो कहेली अपना मम्मी से। इतना तक चरम सीमा पर पहुंच गया बाबू की अफताब और श्रद्धा दोनों अब एक छत के नीचे मलाड में रहने लगे, एक रूम में रहने लगे रूम पार्टनर बन करके। लेकिन जब घरे आईली है पूरी सारी बात श्रद्धा अपनी मम्मी से बतावत है कि मम्मी हमें वो लड़का से प्यार हो गया। जब परिवार के लोग सुनलन कल गई बा की खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मत पान रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहां। ए भैया, जब श्रद्धा के मम्मी श्रद्धा के पापा से ही बात बतौली न करे जा एक बेर थक दे कह दिया, बाप खाती बाबू औलाद औलाद होला। श्रद्धा के पापा समझावत हूँ, पापा समझावे पापा समझावे बेटी बोरा जन इज्जतिया समझावे के कोशिश करत हुआ। पापा समझावे बेटी बोरा जन इज्जतिया जुगावा जमाना खराब बात बचिया जतिया बचाल माना दही कोर कबो करीना पिलार तो जतिया बचाल माना बतिया हमार हो जतिया बचाल माना। माई बाबू भाई सब समझावे के प्रयास करत बा, लेकिन श्रद्धा एक न सुनती है बाबू। इतना तक श्रद्धा कह डाली कि जब मैं रहूंगी तो उसी अफताब के साथ रहूंगी,
अगर हमें आप लोग जिंदा देखना चाहते हैं तो अफ्ताब के बारे में कुछ मत कहिए, मेरी शादी अफ्ताब से ही होगी। मैं बालिग हूँ, नाबालिग नहीं हूँ। मैं भला बुरा मैं खुद सोच सकती हूँ, मुझे सोचने की क्षमता है। अपने मर्जी से मैं अपनी शादी करूँगी। लाख माई बाबू भाई समझावे के प्रयास कैलन हा, लेकिन श्रद्धा केहू का नहीं सुन लेन। दो दिन चार दिन पांच दिन दस दिन पाल घर में रहलिन हा, और वहां से फिर अलिन मलाड जहां जाप करत रहलिन, वही अफ्ताब के साथ रह लगलिन। लेकिन बाबू नतीजा निकल का, सदमा लगल माई सदमा लगल माई सहना ससतिया हो, एक दिन छोड़ली सना सार जी। श्राद्ध में श्रद्धा अली, श्राद्ध में श्रद्धा अली, कैली मदतिया हो, कैली मदतिया हो, पुनः अली मलाड के माझार। प्यार के पसंद कैली हो न कैल बंद कैली, प्यार के पसंद कैली हो न कैल बंद कैली, भाई बाप के दिहाली बिसार। अफताब ख्वाब दे खावे नई दिल्ली के, देखावे नई दिल्ली के, श्रद्धा भी भैली तैयार। आखिर में बाबू इतना प्यार का भूत सवार हो चुका था, श्रद्धा की माँ इस गम को इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाई। लाख समझाई माँ, लाख समझाए बाप, लाख समझाया भाई, लेकिन किसी की सुनने की तैयार नहीं थी। और उस सद फिर चली गई मलाड में जहां जॉब करती थी, उस सदमा को श्रद्धा की माँ बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया को छोड़ करके चल बसी। खबर दिया गया श्रद्धा को, श्रद्धा माँ के श्राद्ध में आई है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली है। श्राद्ध का कार्यक्रम खत्म करवाती है, अंतिम क्रिया करवाती है, और फिर पिताजी समझाने की कोशिश किए, लेकिन साफ अपने जबान से श्रद्धा कह डाली कि आप लोग छूट सकते हैं, अब तो माँ चली गई, पापा हैं, भाई हैं, आप दोनों छूट सकते हैं, लेकिन मेरा अफ्ताब मुझसे नहीं छूट सकता है। इतना प्यार का भूत सवार रहे ओ लड़की पर। बाबू चली गई कह करके, और जब बंबई मलाड में फिर जा करके जॉब करने लगी, अफ्ताब के साथ रहने लगी, तो अब भाई और अपने बाप से बात करना भी मुनासिब नहीं समझती थी, फोन करना भी बंद कर देती है, फोन भी नहीं करती थी, कुछ बात भी नहीं करती थी। लेकिन एक चीज का उसे बहुत शौक था, सोशल मीडिया पर अपना फोटो डालने का, तरह तरह करके फोटो खींच करके फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर डालती रहती थी। बाप तो बाप होला बाबू, आखिर अब माई नहीं खे बाबू या भाई बनन, लेकिन बाप के दिल में हमेशा एक कसक बा कि हमर बेटी है, केवना हालत में बे। खैर जब फोटो लोग देखें सोशल मीडिया से, फेसबुक से, तो दिल में तसल्ली हो के बाप सोचता था कि चलिए जहां भी है खुश है, बेटी है, जिस तरह से खुश रहे, खुशहाल रहे, जहां भी रहे खुशहाल रहे। बेटा बेटी की ही खुशी पिता की खुशी होती है, माता की खुशी होती है। आखिर बाबूजी देखें एक दिन नतीजा निकलल, वही अफ्ताब अब कहने लगा कि सुनो श्रद्धा, हम लोग अब बंबई में नहीं रहेंगे, चलेंगे दिल्ली,
और एक मेरा दोस्त है, वहां चल करके हम दोनों आदमी सर्विस करेंगे, जॉब करेंगे, अच्छा खासा जिंदगी जिएंगे अपने दिल्ली के अंदर। लेकिन अब दोनों के बीच में धीरे धीरे तकरार शुरू होता है, और तकरार किस बात की होती है कि श्रद्धा बार बार अब अफताब से कहने लगी कि 2 बरस 3 बरस हम लोग बिता दिए इसी तरह से, इतना दिन बिता दिए एक छत के नीचे एक रूम के अंदर, तो समाज में और समाज वालों को देखने के लिए एक काम करना होगा कि हम दोनों को अब शादी कर लेना चाहिए, हमनी के दोनों आदमी एक सूत्र में बच जाए जाओ, ताकि समाज भी जान जाए, दुनिया के लोग जान जा कि हमनी के पति पत्नी हैं जान। ए बात के बार बार वो कहे, दबाव प्रेशर बनावे श्रद्धा, लेकिन अब ताप हमेशा टाल दिया करता था। खैर इस तरह कुछ दिन चला, बंबई से दिल्ली आने की बात, अब ताप किसी तरह से श्रद्धा को भी राजी कर लिया, राजी हो गई और दिल्ली आ गए। कब दिल्ली आए बाबू? दिल्ली आके कई ना लोग का किया 8 मई 2022 के दिनावा हो, छोड़ी चल ले दिल्ली की सहरिया, नौ मई के पहुंचलन पहाड़गंज होटलावा में, अफताब अपना दोस्त के दिहले खबरिया, दस मई को पहुंचे ए भैया छतरपुर कलोनिया में, किराया पर दिलवा वाले कोठरिया, तनी बात समझ ला, कहानी एकदम साफ साफ समझ में चली आई। 8 मई 2022 के बंबई छोड़न लोग, दुनहुन जाना चल जलन दिल्ली खातिर, लेकिन जब 9 मई के पहुंचलन दिल्ली पहाड़गंज में, दिल्ली के पहाड़गंज में जाके वो होटल में ठहरलन, अफताब अपने दोस्त को फोन किया, उसका दोस्त आया, जैसा कि प्रमाण मिलता है पत्रिका में या सोशल मीडिया पर कि दो जगह होटल में दोनों ठहरे हैं, लेकिन पहाड़गंज में जब ठहरलन 9 मई के 10 मई के दोस्त के बुलौलन है, और दोस्त जाके छतरपुर कॉलोनी में, दिल्ली में जो छतरपुर है, छतरपुर कॉलोनी में किराए पर एक फ्लैट दिलवा दिया, जिस मकान का नंबर था D93/1 D93/1 ई मकान नंबर हो। दोनों जाना रहे लगलन श्रद्धा और अफताब, लेकिन ए बाबू देखें आज फिर सवाल कैले बे रात के सवाल कैले बे अपना होवे वाला पति अफताब से, श्रद्धा का कि श्रद्धा सवाल कैले ए भैया, श्रद्धा सवाल कैली मांग नहीं लाला भैली, साल बीत गईल करत मसा खरिया, बतिया ही बतिया में ए बाबू बतिया बिगड़ी गईली,
अपताप बनल अत्याचरिया। अठारह मई की रात ओ भयावह रात हो गई। अठारह मई के रात श्रद्धा और अपताप में तकरार होता है। कहती है श्रद्धा की 3 साल बीत गया, जब मैं शादी करने के लिए कहती हूँ तो तुम नाकुर नुकुर करते हो, कुछ कह करके इधर से उधर टाल देते हो। बात क्या है, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहता है? तेरे चलते मैंने अपने माँ बाप परिवार को छोड़ दिया, मैं कहाँ जाऊंगी, 3 बरस से तेरे साथ रह रही हूँ। मामला आगे बढ़ गई, कुछ श्रद्धा बोली कुछ अवताप बोला और मामला बहुत आगे बढ़ गया। 18 तारीख की रात दौड़ करके अवताप जो है पकड़ता है श्रद्धा की गर्दन को और पटक देता है धरती पर। उसी कॉलोनी के अंदर, उसी अपने फ्लैट के अंदर पटक करके सीने पर चढ़ जाता है अवताप और गर्दन दाबने लगता है। जिस समय गर्दन दाबने लगता है बाबू, छटपटाती है, रोती है, देखती है एक तरफ अवताप का चेहरा देखती है, कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो, मेरी दम घुट रही है, हमार दम घुटत बाबा, मर जाओ, छोड़ दो, छोड़ो अवताप छोड़ो। लेकिन अवताप तो जैसे पागल हो चुका था, गर्दन को दाबने लगा और जब गर्दन दाबने लगा, जब उसकी सांस फूलने लगी, श्रद्धा की गोड़ हाथ पीटने लगी, एक बार अवताप के चेहरा को देख करके आंखों में आंसू लेकर रो करके एक बात कहती है। क्या कहती है? रोवत में आंख से मोती जिसन आंसू छलकत बा। अवताप के चेहरा देखते छटपटा दे दम घुटता, लेकिन रो के एक बात कहले भी अवताप से कि हमारे दिलावा, हमारे दिलावा के साजाला सपनावा, सपनावा आज तोड़ी दिहाला हो। हमारे दिलावा के कहानावा बंधनवा आज तोड़ी दिहल हो। और रोवत में लड़की छटपटात पे और ये कहत में कि तोरे चलते हम घर द्वार अपन माई बाबू परिवार सबके छोड़ दिए ले, तो हमार गर्दन दबाव तड़ा, आखिर हम कोनो गलती तो नहीं की कहले, हम तो इतने कहता नहीं कि हमने के एक बंधन में बच जाई जाओ। का लड़की रोत पे कहते कवना कसूरा कैली, अरे कवना कसूरा कैली हमके बताए दा। हमके बताए दा एक चिटकी से नूरा से मंगिया सजा दा। सपनावा सजनवा मुँह मोड़ी लिया हो।
छटपटाती रही सदा, रोती रही, बिलखती रही, उस कमीना अफताब के दिल में थोड़ा भी दया नहीं आई बाबू। और तब तक गर्दन दापता रहा उसकी जब तक कि उसके प्राण पखेरु उग नहीं गए। थोड़े ही देर में सदा छटपटाते छटपटाते अपनी अंतिम दम को तोड़ देती है, एक लाश के रूप में घर में पड़ जाती है। और जब लाश के रूप में घर में हो गई, बाहरे अफताब और बाहरे तुम्हारी हिम्मत, जो सुन रहा है उसकी हिम्मत को दाद दे रहा है बाबू। अफताब बाबू हर प्लान को सोच लिया था, मुझे क्या करना है, अब इसके आगे क्या करना है, क्या करना होगा। कवि जी लिखत हूं का रात भर उसी तरह लाश के रूप में उस घर में पड़ी रही वो श्रद्धा, और अफताब उसी घर में उसी बेड पर सोया रहा। लेकिन जब भोर होता है तो देख लेता है एक बड़ा सा फ्रिज खरीदता है और एक लकड़ी काटने वाली आरी लेता है, लेकर के घर पर आया। और जैसा कि प्रमाण मिला, घर पर आ करके बाबू उस श्रद्धा की लाश को टुकड़े टुकड़े काटने लगा। 18 रोज महाभारत की लड़ाई हुई थी, 18 रोज में महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी, और ये अफताब श्रद्धा की लाश काटने में 17 दिन लगा दिया। रोज 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा काटता था, काट करके पॉलिथीन में बंद करता था, पीठू बैग पर लेता था, 2 बजे रात को रूम से बाहर निकलता था और ले जा करके दिल्ली के महरौली के जंगल में मांस के टुकड़ा को इधर उधर करके फेंकता था। इस तरह से उस श्रद्धा की लाश को 35 टुकड़ा में, जैसा कि प्रमाण मिला मीडिया में, टेलीविजन पर न्यूज में जो आप लोग देखे हैं, श्रद्धा की लाश को 35 टुकड़ा किया है। और दिल्ली का यही काम था, और फिर श्रद्धा की लाश को फ्रिज में बंद करता था, चला जाता था, फिर फ्रिज से निकालता था, काटता था, फ्रिज में रख देता था। ये भी प्रमाण मिला है कि कहीं अगल बगल में बदबू न जाए, अपने रूम के अंदर रूम फ्रेशर रखता था और अगरबत्ती 24 घंटा जलाया रखता था। इस तरह से बाबू बीत गए 17 दिन, और 17 दिन में लाश को ठिकाना लगाया। लेकिन हुआ क्या, तरजबा कि पतरा ही राम जी के, अरे पतरा ही राम जी के, पतरकार ही आई बंद भइल मोबाइल नंबर वाले बाबू ऐसाई बंद भइल मोबाइल नंबर वाले बाबू ऐसा तो कमाल भइल मोबाइल नंबर मोबाइल बंद हुआ,
अब रहे तब न मोबाइल चलावे, फेसबुक चलावे, सोशल मीडिया पर आवे। अब तो वो थी नहीं बेचारी, इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। मोबाइल बंद हुआ, जो उसके पापा विकास थे, विकास जी पहले का नंबर कुछ लोगों का था उसके ऑफिस का, उस ऑफिस पर उन लोगों से बात किए, वो लोग बताए कि हम लोगों से भी बात नहीं हो पा रही है, वो तो दोनों यहाँ से निकल गए, कहीं बाहर चले गए। अब ये शक के दायरे में आने लगे। अब शक हुआ विकास जी को कि भाई ये पुलिस को खबर देना चाहिए। वही पालघर के थाने में विकास जी करते हैं क्या, विकास जी पालघर, विकास जी पालघर थाना दिहला खबरिया हो। मतलब ऐसा अवताप किया बाबू की किसी साबूत को अपने समझ से, अपने जानकारी में किसी साबूत को छोड़ा नहीं। जितने खून थे ये भी प्रमाण मिला कि वो नेट पर देख देख करके केमिकल मंगाता था। नेट पर देखता था, ऑनलाइन केमिकल मंगाता था और केमिकल से सारा रूम को साफ करता था। जो खून से लथपथ उसके कपड़ा था श्रद्धा का, उसका वो प्रमाण मिला कि कचड़ा वाली गाड़ी में वो कपड़े को फेंक दिया, डाल दिया। इतना ही नहीं, अब ये भी सोचता है कभी कि कुछ साबूत मिल जाएगा तो हो सकता है डीएनए लोग मिलाए, वो भी साबूत नहीं छोड़ा है बाबू। इस तरह से 6 माह गुजर गया। 19 मई 2022 से लेकर के और 5 जून तक उस श्रद्धा का 35 टुकड़ा वो किया था। सोचिए कितनी उसकी हिम्मत की बलिहारी है। शायद एक घर में एक लाश रख दिया जाए और किसी को कहा जाए कि अकेला इसमें रहना है तो शायद किसी की हिम्मत नहीं जल्दी पड़ेगी। लेकिन वो कैसा शख्स है कि उसी घर में उसकी प्रेमिका की लाश पड़ी है, रोज 2 बोटी 3 बोटी काटता है और काट करके ले जा करके जगह जगह जंगलों में फेंकता है। बारे भगवान तू भी, तेरी भी लीला गजब है। ऐसे लोग भी इस धरती पर अभी जिंदा हैं। तो कबीर जी एक बात लिखे हैं, पिता को शक हुआ विकास को, पिताजी जा करके अपने थाने में पालघर के थाने में वो खबर दिए, FIR किए गुमशुदगी की। पुलिस पीछे पड़ी है, जब पता नहीं चला है किसी तरह से मोबाइल का लोकेशन ले करके दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली मोबाइल के लोकेशन से आखिर अंततो गतवा वो पकड़ा जाता है। हुआ क्या बाबूजी, ए भैया पत्थर को भी पसीना आ गया, ए बाबू पत्थर को भी पसीना आ गया, कमीना के कुकर्म से लज्जित हुआ मदीना। यही से हम कही ला तनी बढ़ के दल्ला के लाइन में,
कहिला की चोरी हत्या पाप नहीं, चोरी हत्या पाप नहीं, छिपे ना छिपाए भैया। एक दिन सामने सच्चाई जलाई, महरौली पुलिस री मंड पर चढ़ावल दादा, साफ साफ बतिया के दिहल सुबता के गर्दन दाबी हम ही मुअवली साहेब, श्रद्धा के गर्दन दाबी हम ही मुअवली साहेब, टुकड़ा टुकड़ा कई के रखली फ्रिज में सजाया, रोज दुई टुकड़ा पिट्ठू बेगवा में रखी के साहब, सतरह दिन आई है कैली करमतिया साहेब, सुन के सचाई गई ना माथा चकराया। आज दो चार दस दिन पहले अबताब पकड़ा गया बाबू, और जब महरौली के थाने की पुलिस उसको रिमांड मिली है, रिमांड पली है, और जब रिमांड पे गया है तो सारी हकीकत अपना जुर्म कबूल कर लिया कि मैंने ही श्रद्धा की गर्दन दाब करके जान मारा था, आरी बाजार से खरीद करके फ्रिज मैंने खरीदा था इसलिए कि किसी को शक न हो, कहीं बदबू न जाए रूम से बाहर, और उस लाश को बोटी बोटी काट करके उस फ्रिज में सजाए रखता था, रोज दो चार तीन लाश के टुकड़ा को ले करके महरौली के जंगल में फेंकता था। लेकिन गाना लिखते वक्त, मतलब हम गाए हैं, आप लोगों को भेजने का काम किए हैं गीत गा करके, तो गाना लिखते वक्त अफताब का कोई अभी साबूत नहीं पकड़ा गया था, कोई साबूत पुलिस के हाथ में नहीं आई थी। पुलिस के सामने तो कबूल किया कि मैंने ये काम किया, मैंने जान मारा, मैंने मर्डर किया श्रद्धा का, लेकिन कोई अभी पुलिस के हाथ में सबूत नहीं लगी है, और पुलिस को इधर उधर भटका रहा है, कभी महरौली के जंगल में पुलिस लेकर उसे जाती है छानबीन करने के लिए, कहीं तालाब में कहीं पोखरा में पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन कोई अभी साबूत मिला नहीं है, और साबूत नहीं मिलेगा तो सवाल ये उठता है कि अफताब छूट भी सकता है, क्यों कि कानून के नजरों में कानून को साबूत चाहिए, और पुलिस के हाथ जब कोई साबूत नहीं मिलेगा तो कोर्ट में कह सकता है खड़ा होकर के अफताब कि मैं पुलिस के डर से, इन लोगों के डर से मैंने अपना ये बयान दिया था, ये लोग मार रहे थे पीट रहे थे, लेकिन सच्चाई यही है कि मैंने कोई मर्डर नहीं किया है। कानून को तो साबूत चाहिए बाबू, कानून अंधा कानून है, तो ये हो सकता है, लेकिन अब आगे क्या होगा फिर अगली कड़ी में हम आप लोगों को गाना गीत के रूप में सुनाएंगे कि आगे अफताब के बारे में होता है क्या। गाना लिखते वक्त अभी कानून को, अभी पुलिस को कोई साबूत नहीं मिला था, पुलिस को इधर उधर अफताब भटका रहा था। कवि जी लिखलन हका लिखलन, दिल्ली में जब मिली ऐसन सुने के घटना, देश के अंदर ये अपराधी छिपल हुई है केतना, को सुनने वाले भाई को कि जब दिल्ली में आए दिन ऐसा घटना हो रही है, इसके पहले भी बहुत आप लोग घटना सुने होंगे, तो दिल्ली में जब आए दिन ऐसी घटना हो रही है तो बाकी हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली, और राजधानी में जब ऐसी घटना हो रही है, लेकिन सरकार क्या कह रही है
फील गुड क्या कर रही है सरकार, फील गुड कि फील गुड के नारा प्यारा देलो तू सरकार हो। अरे फील गुड के नारा प्यारा देलो तू सरकार हो। दिनों दिन भरत बा चोरी हत्या बलात्कार हो। हमार कहे कबा कि कहिया पूरा होई साथी शहीदन के सपना, कहिया पूरा होई साथी शहीदन के सपना, देश के अंदर अपराधी छिपल होई है केतना। हमारे कहले का मतलब यह है बा, बिरहा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बिरहा के गायक और बिरहा के कवि समाज को एक आईना दिखाने का काम करता है और हमेशा समाज को एक संदेश देने के लिए सोचता है कि मैं अपने गीत के माध्यम से समाज को संदेश दूं। तो हमारे हिंदुस्तान का लोग कैसन हो गिलन बाबू, आज लोग सोचे पर मजबूर हुन। गाना के अंतिम लाइन रहल, जय जखार गुरु स्वामी जी के ओम प्रकाश फुलवारी, कथन करे कवि अनुज लाल रविंद्र ने सार की तय।